अरे साथ में ही है मेरे, साथ में ही इधर आप तो जाइए आप पुलिस आगे विशाल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो डे है वो स्टार्ट होता है पिंजौर से। पिंजौर ही नाम है ना, तो हम लोग कल चंडीगढ़ से पिंजौर तक आ गए थे और अभी जो डे टू में हम लोग राइड करने वाले हैं पिंजौर से शिमला देन कल्पा। लास्ट जो डेस्टिनेशन होगी वो कल्पा होगी। हम लोग जहाँ पर स्टे किया था वो है ये होटल न्यू सीजन, और ये इन अंकल का ही है होटल। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी थी, कोई दिक्कत नहीं हुई हमको। और बस अभी जो है बाइक तो राइड ही है मेरी, यहाँ पर जो कार है वो थोड़ी सी क्लीन कर रही है, तो यहाँ से फटाफट निकलते हैं। और आज की जो राइड है वो लगभग 8 से 10 घंटे की होने वाली है, तो आज मज़ा आने वाला है फुल टोटल। क्यों है ना, बहुत आज काफ़ी मज़ा आने वाला है। आज बहुत सारे पहाड़ के रास्ते चालू होंगे तो हमें बड़ा, हाँ मेन आज ये होगा कि हमको देखना है कि सिटी तो घूम ली है, थोड़े से पहाड़ वगैरह भी देखना है, एडवेंचर चालू होगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो पूरा जो रूट है आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से जाएंगे शिमला, देन उसके बाद में कल्पा, कल्पा में स्टे करेंगे हम लोग, फिर कल्पा हम 2 दिन रुकने वाले हैं, फिर रुकने के बाद में हम लोग जाएंगे आगे नाको, फिर टाबो, देन काजा, स्पीति वैली, फिर वहाँ पर जो भी ब्रिजेस है एशिया का जो नंबर वन चिमचम ब्रिज ऐसा कुछ नाम ही है शायद उसका, सिक्किम पोस्ट ऑफिस, ये सब देखेंगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है यार। यहाँ पर पता नहीं किस चीज़ का चेकिंग है। जाऊँ मैं? हाँ आप जाओ, आप ठीक। अरे साथ में ही है मेरे, साथ में इधर अरे आप तो जाइए, आप जाइए आगे खड़े हो जाओ। तो ये लोग आ गए हैं विशाल वगैरह, 10,000 का बना था कितना, 10,000 का ये काले कांच वगैरह के पीछे चलान बन गया इसके भाई का, लेकिन 2,000 में ये आ गए निबड़ करके, ब्लैक लिस्ट कर दी थी एक बार तो, ब्लैक लिस्ट कर दी। तो भाई विशाल तेरे को क्या इस पर्ची को संभाल रखना है कि आगे अपन को जब रोके तो बोल देना भाई हम जोधपुर जाके चेंज कराएंगे या काले कांच से उसको वापस धोले कांच कराएंगे। और क्या, अब इससे थोड़ी कर सकते हैं, अब चले शिमला रेडी। ठीक है, मैं तो अपनी बाइक को एकदम सिंपल ही रखता हूँ, कोई कस्टम एग्जॉस्ट वगैरह नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। बाइक का क्यों लगेगा यार, अरे यार बहुत कम है यार, ये फायदे है कार के, आराम से बैठे बैठे खा सकते हो, गाड़ी चलाएंगे यार, रुक के खाने गाड़ी, हम तो भैया ड्राइवर है यार। अपन इतना खा ले, भूख क्यों लग रही है, गर्मी देखी है आपने, देखो लग रहा है रात, अरे यार रात को कल निकल रहा है हेमंत ताजा तो ही पहुँचेंगे कल का। ये देखो ये सीन के नज़ारा है यार। अभी मैं इनको कॉल कर लेता हूँ, ये लोग क्या काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए हैं, तो मैं इनको मैं बोल देता हूँ कि मैं तुमसे शिमला में ही मिलूँगा, तो कॉल करने के लिए रुक गया हूँ। प्लस कुछ ज़्यादा ही मोटो जीपी हो गया, बैक पेन कर रही है। हाँ भैया जी, क्या हाल है भाई? बस बढ़िया। कोई शूट वूट चल रहा है क्या? हाँ, शूट चल रहा है, म्यूजिक वीडियो का शूट चल रहा है। अच्छा, तो थोड़ा सा अगर बाइक पर आपके शॉट चाहिए होंगे भाई, एक बार चला रहे होंगे, एक बार आप चला देना। नहीं नहीं नहीं, इतना देखो मैं दे ही नहीं सकता, ये 390। अच्छा, बस थोड़ा सा ऐसे लॉन्ग कटिंग हल्का सा लेना है और कुछ नहीं, हमने मैं चल लेता हूँ पीछे, आप भले कवर कर सकते हो, मैं हेलमेट होगा, बाकी आपको जो करना है। अच्छा, मैं बाइक दे नहीं सकता आपको बाइक, तो फिर रहने दो भैया। नो प्रॉब्लम, थैंक यू, ओके करो भाई, ओके। जो रियल फन है ना वो बाइक पे ही है, मतलब कार में ऐसा आपको फील नहीं होता जैसा अभी जो फील मैं मतलब वीडियो के थ्रू आपको नहीं बता सकता, एक बाइकर ही जानता है ये जो लीन वाली जो फीलिंग है ना, ये वाली फीलिंग। अब तो जो टर्न्स आ रहे हैं वो और ज़्यादा हैवी हो गए हैं यार, पूरा टोटल ब्लाइंड स्पॉट वाला टर्न है ये तो। अरे मुझे कहाँ अटका रहे हो ट्रैफिक में यार, मुझे कहाँ अटका रहे हो ट्रैफिक में, ये जा रही दोनों गाड़ियाँ। ये वाली फीलिंग, लेकिन क्या है कि ये टर्न में ध्यान रखना है कि कोई एकदम से पत्थर नहीं आ जाए, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट है ना,
यो तो अभी सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं, शुभम भी यहाँ आ गया है और ये भाई साहब जो है मोहित जी, इन्होंने बताया है कि रास्ता कहाँ पर जाना है। तो आपके हिसाब से भी कल्पा नहीं पहुँच पाएंगे ना हम लोग, अंधेरा हो जाएगा। तो प्लान में चेंज हो गया है, अभी यहाँ से जा रहे हैं नारकंडा, वहाँ पर स्टे करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे क्योंकि सिर्फ रोड नापने के लिए नहीं आए हैं। नहीं आए बिल्कुल, बैठ के बातें करेंगे, काम चीज करेंगे, ब्लॉग एडिट करेंगे। हाँ और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है तो फिर टाइम भी लगना ही है बिल्कुल। और ऑलमोस्ट अभी 4 तो बज गए हैं, 4 बज गए हैं बिल्कुल। तो चलते हैं, टाइम से ले नारकंडा, देखो नारकंडा। तो अभी बात तो ये चल रही थी कहाँ रुकना है, नारकंडा में रुकना है या फिर रामपुर रुकना है या कुफरी रुकना है। तो जो सीनिक जो लोकेशन है वो नारकंडा ज़्यादा अच्छी है, जहाँ पे माउंटेन्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, आपको व्यू देते हैं वहाँ से। तो मैं ये चाहता हूँ जब सुबह जब हो तो अच्छे से दिखे एकदम बढ़िया बढ़िया से माउंटेन। तो अभी यही है, डिसाइड हुआ है कि नारकंडा में स्टे करने वाले हैं, बाकी कल्पा का पूरा कैंसिल हो गया क्योंकि पहुँचते हुए काफ़ी ज़्यादा आर्स लग जाएंगे और रात हो जाएगी और नाइट राइड मुझे नहीं करना है तो उसको अवॉइड करेंगे। अभी आ गए नारकंडा, जो चंडीगढ़ से नारकंडा जो कल्पा का प्लान था वो कैंसिल हो गया जैसा कि मैंने आपको बीच में बताया था। और सब लोग भाई लोग जो है ठंड के मारे सबकी बैंड बजी हुई है, जो अभी से ही घुस गए अपने रजाइयों के अंदर। और कारण ये भी है कि बाहर कितना डिग्री होगा, लगभग 10 डिग्री है, 8-9 डिग्री। तो ये 4 लोग तो यहाँ पे बैठे हैं, बाकी की जनता को मैं बताता हूँ क्या कर रही है ये इस रूम में। और कल सुबह मैं आपको बताऊँगा यहाँ से जो व्यू आता है ना, बहुत ही अल्टीमेट व्यू आता है। क्या पी रहे हो? कॉफी, ब्लैक कॉफी। हेलो गाइस, वी आर फाइनली रीच्ड नारकंडा, आ चुका है। कैसी सर्दी कैसी है? सर्दी है, बहुत अच्छी सर्दी है। और कल चलेंगे सुबह कल्पा यार, कल आराम से पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंचेंगे। अब रात को राइड नहीं करेंगे, रात को राइड नहीं करेंगे यार, यहाँ आते होते अंधेरा हो गया है। मानव की तो बहुत सर्दी, मानव बहुत ठंड लग रही है, हम पतले लोगों को ज्यादा ठंड लगती है। बाइक चला के आया हूँ मैं, ग्लव्स के अंदर पूरा हाथ जम गए। मैं तो कई सुबह से ड्राइव कर रहा था और सुबह का आपको बताऊंगा यहाँ पर कैलाश पर्वत का पूरा व्यू अल्टीमेट। पुलिस आ गई है नारकंडा, पुलिस आ गई। विशाल ये कहाँ से लाया यार, ये लगा ले तेरी गाड़ी में अंदर, नहीं है ना मेरे पास, देखी नहीं क्या आपने मेरी गाड़ी में? नहीं नहीं, कल इसमें दिखाना आप, इसमें जो भी करेंगे ना ताम जाम जो आपने देखा स्टार्टिंग में जो उसके चालान बैठा था, तो इसे कल गाड़ी बताएंगे आपको इसमें क्या क्या चीजें कर रही है।